హెచ్ఈలో రోహిత్ ఆత్మహత్య బాధాకరమన్నారు ఇన్ఛార్జి బీసీ విపిన్ శ్రీవాత్సవ కమిటీ నివేదిక త్వరగా వస్తుందని ఆశిస్తున్నామన్నారు. రేపు హెచ్ఈయు విద్యార్థులతో మాట్లాడతా అంటున్నారు శ్రీవాత్సవ. తన నియామకాన్ని విద్యార్థులు వ్యతిరేకించడంపై తానేమీ మాట్లాడబోనన్నారు. नहीं मुझे आज लंच टाइम के करीब ऑर्डर मिला. ऑर्डर क्या मिला, फोन कॉल आई. फिर उसके बाद समटाइम इन द आफ्टरनून आई वाज टोल्ड दैट यू नो द ऑर्डर हैज बीन इश्यूड. सो right, and then you know right now I was busy getting some medicines and things for my mother and so on. Now I'm going to meet my colleagues and to discuss as to how one has to go about it. मैं कह रहा हूँ कि जो statutes है उसके हिसाब से मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर वाइस चांसलर नहीं है तो क्योंकि मैं सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हूँ, statutes के हिसाब से मुझे ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए. तो वो मैं कर रहा हूँ. ठीक है, रजिस्ट्रेशन चल रहा ना उससे. हाँ, अब उसके बारे में क्या बोल सकते हैं? उसके बारे में हम बातचीत करेंगे. उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर के अपने कलीग से बात करूँ और फिर ये हमको डिस्कस करना है कि कैसे करना है. कल से काम शुरू करने के हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक वर्क जो है कल से शुरू हो सके. हाँ वो भी है जरा, वो भी तो वही. तो अगर आपसे मुझे आज्ञा मिलेगी तभी तो मैं जाकर के जरा रजिस्ट्रार से बात करूंगा क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, सब चीजें समझ में. अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैंने बताया ना कि स्टैट्यूट्स के हिसाब से जो यूनिवर्सिटी का कानून है उसके हिसाब से वो कानून जो है वो पार्लियामेंट से पास हुआ है. उसके हिसाब से अगर वाइस चांसलर नहीं है, जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऑफिशिएट करे. उस हैसियत से मैं यहाँ पे हूँ. कुछ कह नहीं सकते. बहुत ज्यादा मेरी आशा ये है, उम्मीद ये है कि वो जल्दी वापस आएंगे.